नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आई हूं और वो टॉपिक है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित भारत के राष्ट्रीय उद्यान। यह टॉपिक हर एक प्रतियोगी छात्र को याद होने ही चाहिए क्योंकि प्रायः यह परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगी। पहले आपको मैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित भारत के राष्ट्रीय उद्यान से आप सभी को परिचय करा दूं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित भारत के राष्ट्रीय उद्यान है और यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दूसरा आपको मैं बताऊँ, काजीरंगा नेशनल पार्क यह भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है और यह स्थित है असम में। तीसरा जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, और यह राजस्थान में है। और चौथा मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह है असम में। पांचवा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और यह स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। और छठवा है आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और यह स्थित है पश्चिम बंगाल में, जबकि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है सिक्किम में, ठीक है। तो आप देखें वे तमाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है, इन्हें आप अवश्य ही याद कर लीजिए क्योंकि निश्चित रूप से यह परीक्षाओं में पूछे जाने की मोर प्रोबेबिलिटी होती है। तो एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे इसे पूछे जाएंगे। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है असम में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में, मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सिक्किम में। अब क्वेश्चन ये पूछेगा, निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्कों में कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है। तो जब आपको इन सभी के बारे में जानकारी होगी तो आप वो क्वेश्चन सही कर लेंगे, ठीक है। अर्थात मान लीजिए तीन विकल्प में ये दिया हो और एक विकल्प में कोई अन्य राष्ट्रीय उद्यान दिया हो, तो आपको जब पता रहेगा कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है, काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को के विश्व धरोहर में सूची है में सम्मिलित है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है, तो आप अवश्य क्वेश्चन को हल कर लेंगे। दूसरे प्रकार से क्वेश्चन ये बनेगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो जब आप यहाँ पे देखे रहेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो ऐसे भी आप क्वेश्चन सही कर लेंगे। तीसरे प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, चार आपको उद्यान दे दिए जाएंगे और चार आपको ये राज्य दे दिए जाएंगे। अब उसको सुमेलित करना होगा कि आपका ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथे प्रकार से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है लेकिन भारत के राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित है, कथन और कारण में आ जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ऑलरेडी यहाँ पर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारे फैक्ट क्लियर होने चाहिए जिससे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे हल कर सकें। तो आज का आपको क्लास ये कैसा लगा जरूरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरी तरफ इन्हें आप जरूर लिख लीजिए क्योंकि ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है साथियों। मेरे द्वारा आप सभी को परीक्षा दृष्टि के सीरीज में भी तमाम प्रकार के टॉपिक लाए जा रहे हैं जिन्हें आप 100% एक बार जरूर देखिएगा ताकि आप परीक्षा में भी तमाम क्वेश्चन हल कर सकें जो प्रायः लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। तो चलते चलते एक बार और आप सभी के बीच में रिवीजन करा देती हूँ। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, सुंदरवन नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, ठीक है। तो इसी क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।